नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 36,925 पे। ये कल की क्लोजिंग से हम लगभग 180 पॉइंट नीचे आके हमने बैंक निफ्टी पे यहां पे क्लोजिंग दी है। और पिछले 4-5 दिनों से देखिए बैंक निफ्टी में यहां पे प्रेशर बन रहा है। बाइंग साइड में ये 37,500 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा, इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे रहा। और जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं होगा, अब 37,525 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब तक अब बैंक निफ्टी 37,525 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे। और अगर ये 37,500 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर बैंक निफ्टी का टारगेट होगा यहाँ पे 38,150 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा। पिछले 4-5 दिनों से देखिए ये कोशिश कर रहा है, बायर इसको लेके जाते हैं, लेकिन शाम होते होते यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और नीचे की तरफ कि ये क्लोज करते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि आप बार बार देखेंगे कि जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहे थे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। जैसे हमने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यहाँ पे आके हम सपोर्ट लेने लगे, और सपोर्ट लेने के बाद वापस हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे बिताया, 7-8 दिन टाइम बिताया, उसके बाद हमने ये ब्रेकआउट दिया था। लेकिन अब ये कंटिन्यू जो 4-5 दिनों से यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज करता है, यानी 36,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करने लगता है, तो बैंक निफ्टी वापस फिर से इसी चैनल में आ जाएगा। और 36,800 के नीचे के बाद में बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे फिर से वो 35,600 35,700 वाला टारगेट यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे, वो है 36,800 नीचे की साइड में और 37,550 ऊपर की साइड में। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ट्रेड करना है। तब अगर किसी के पास पोजीशन है, बाइंग पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 36,800 का जरूर रखिएगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लाइन ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहां पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, और 15 मिनट के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था लास्ट सेशन में, यानी फ्राइडे के सेशन में, और उसी के ऊपर हम गैप डाउन ओपन हुए थे। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पे देखिए 500 के आसपास यहां पे कंटिन्यू ये सस्टेन कर रहा था, लेकिन सस्टेन होने के बाद यहां पे देखिए एक प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन यहां पे नीचे की साइड में बन रहा था। और मैंने ये चार्ट ऑलरेडी अपने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किया था, तो वहां से बैंक निफ्टी काफी तेजी से यहां पे गिरा। उसके बाद यहां पे एक इनसाइड कैंडल बनी, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद में भी बैंक निफ्टी ने यहां से लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी ने दिया था। अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये रेंज है। इस रेंज के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, यानी बैंक निफ्टी 36,750 के नीचे इंट्राडे में ट्रेड करता है, तो यहां पे एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है 36,620, 36,550, और उसके बाद फाइनल टारगेट हमारा होगा 36,400 का। ये तीन टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में आइडियल ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी तब बनेगा जब बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, यानी 37,000 से लेकर के 36,800 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन करता है, 4-5 मिनट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है 750 के लेवल को, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी की 36,900 की या फिर 37,000 की पुट में आप यहां पे बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो सकती है। क्योंकि कंटिन्यू हम पिछले 3-4 दिनों से इसको सपोर्ट मान रहे थे, और अगर कल ये 5-7 मिनट के बाद ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ी से यहां पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग किया होगा, लगभग उनके एस एल जो होंगे वो होंगे 36,750 के बाद, तो यहाँ पर एस एल कटने स्टार्ट होंगे जब, तो बैंक निफ्टी तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ते हुए 36,500 के पास तक आ सकता है। तो यहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ऊपर बाइंग साइड में मेरा कुछ खास भी बैंक निफ्टी में नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी अगर इस जोन में, यानी 36,900 से लेकर के 37,100 के बीच में अगर यहाँ पे ये 3-4 घंटे टाइम बिताने के बाद 37,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, वो भी 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। फिर उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा 37,400 से 37,550, क्योंकि ये जोन जो है वो सप्लाई जोन का काम करेगा, क्योंकि 37,500 यहाँ पे राउंड फिगर है, तो यहाँ पे जो राइटर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और नीचे की तरफ जो राइटर है वो 37,000 के पास एक्टिव होंगे। तो अगर हम 36,900 से 37,100 के
बीच में कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर की तरफ निकलते हैं तो एक मोमेंटम बनेगा, या फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ नीचे ना जाके यहाँ पे एक डेढ़ घंटे कंसोलिडेट करता है तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा कल के लो को यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक्स हमारा है एयू बैंक, तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। एक्सिस बैंक आज अच्छा एक ब्रेकआउट कर रहा था, कंटिन्यू हायर हाई यहाँ पे बना के ट्रेड हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो है 720 के आसपास में, तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि पिछली बार हमने इसी लेवल को ब्रेक करके काफी तेज से मोमेंटम दिया था, तो ऊपर जाते वक्त 720 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बंधन बैंक यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, फेडरल बैंक में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं। HDFC बैंक यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, यहाँ पे देखिए अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो शायद हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे HDFC बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो काफी तेज मोमेंटम आपको HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। ICICI बैंक ऊपर के पास जैसा कि मैंने बताया 760-770 लेवल इसके लिए सप्लाई जोन होगा, तो यहाँ पे आके एक निगेटिव कैंडल बनी है, तो कल अगर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट कुछ नहीं करना है। इंडसइंड बैंक का रजिस्टेंस 960-965 है। कोटक बैंक लोअर लो यहाँ पे बनाते हुए चला जा रहा है। PNB में हमें कुछ नहीं करना है। RBL बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है फिलहाल। अगर किसी के पास पोजीशन हो शॉर्ट की तो SL जरूर 200 के ऊपर का लगा के रखिएगा। SBI में रेजिस्टेंस 507 से लेकर 510 का एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक आप 510 को क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा, और पिछले तीन दिन का लो लगभग 485 है। अगर तीन दिन के लो को ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में एक मोमेंटम इसको 474 के आसपास तक लेके आ सकता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।